बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम चैप्टर पढ़े थे पीरियडिक प्रॉपर्टीज। इस पीरियडिक प्रॉपर्टीज की हमने 9 क्लास देख ली है, आज 10वीं और लास्ट क्लास है। हमने 9 क्लासों में देखा था पीरियडिक प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हमने एटमिक रेडियाई के बारे में बात की, वाल्टर वाली रेडियाई के बारे में बात की, आयनिक रेडियाई को हमने समझा या कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में जाना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हमने समझा, और अंतिम क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को गहराई से समझा था, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल बिहेवियर, इन सब को हमने बहुत गहराई से जाना था। आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल। इसका मतलब एस पी डी और एफ कक्षक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, किस प्रकार से हम इनका वर्गीकरण करते हैं। आप जानते हैं कि चार ऑर्बिटल्स हैं एस पी डी और एफ, चार प्रिंसिपल डिफ्यूजन फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले बात करें हम कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आते हैं, फिर से ध्यान से, ऐसे एलिमेंट्स यहां हम लिखते हैं इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है उसका पहला पार्ट है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के तत्व। किन्हें कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व? ऐसे एलिमेंट जिनमें जिनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं? एस ऑर्बिटल में आ रहे हैं। जिनके बाह्यतम कोश में एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन आते हैं उनका हम एस ऑर्बिटल या एस ऑर्बिटल के एलिमेंट्स कहते हैं या एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये जानते हैं आप दो प्रकार के होते हैं, पहला कहलाते हैं एल्कली मेटल्स मेटल्स और दूसरा कहलाते हैं एल्किलाइन अर्थ मेटल्स अर्थ मेटल्स। क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं। ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 होता है। एल्कली मेटल्स का NS1, ये NS1 और 2 है, 1 2 2, इसका है NS1 और इसका है NS2। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हुआ? NS1 और 2, एक अथवा दो। यदि NS1 है तो वो एल्कली मेटल्स कहलाते हैं और यदि वो NS2 है तो वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। एल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं? ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये तो अगर जैसे हम बात करें, मान लो लिथियम, इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन 2s1, लिथियम का कितना है 2s1, सोडियम का बात करें तो 3s1 आउटर मोस्ट शेल में, इस तरह से पोटेशियम का 4s1, रुबिडियम का 5s1। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमें साफ समझ में आ रहा है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3, 4 और 5, लेकिन इनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आएगा, वो भी केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा। यदि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो ये कौन कौन से हैं? ये है जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, इस प्रकार से। इसका कितना होगा 2s2, इसका 3s2, 4s2, 5s2 और इसका 6s2। बात समझिए। इसके अलावा अंदर इसके जैसे बात करेंगे तो हम यहाँ पर हीलियम आएगा, हीलियम का इनर्ट कॉन्फिगरेशन है, यहाँ नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इस तरह से जीनॉन और रेडॉन का, यहाँ भी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन का कॉन्फिगरेशन आ जाएगा। हम आउटर मोस्ट शेल केवल लिख रहे हैं यहाँ पर, तो वो कितना है? यहाँ पर S1 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर S2 दिखाई दे रहा है। N की वैल्यू 2 से लेकर यहाँ 6, 7 तक आ जाएगी, यहाँ भी 2 से लेकर 7 तक आ जाती है। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स या एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। दूसरा जो क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन किया है वो किया है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो है NS2 NP126 NS2 NP126। बात आपके समझ में आ रही होगी। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, आउटर मोस्ट शेल में पी इलेक्ट्रॉन में जिनमें इलेक्ट्रॉन आते हैं वो क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और आप जानते हैं पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। इनके 3 सब ऑर्बिटल्स हैं, PX, PY, PZ, एक में 2 आ सकते हैं, तो 3 में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन।
तो ये क्या आ गया एन एस टू एन पी 126। इसमें आप जानते हैं कौन कौन से ग्रुप हैं, इसमें ग्रुप कहाँ से है 13 to 18, 13 से लेकर 18 तक। ये जो ग्रुप 13 है, ग्रुप 13, इसको क्या बोलते हैं बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली, क्योंकि ये बोरोन से शुरू होती है। इसका इलेक्ट्रॉन डिफरेंशियल क्या होगा NS2, यहाँ कितना आएगा NP1, NS2 NP1। इसके बाद ग्रुप 14, ये कहलाती है कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली, इसका क्या होगा NS2 NP2। उसके बाद में ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि ये नाइट्रोजन से शुरू हो रहा है ग्रुप, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 NP3। इसके बाद में ग्रुप 16, ये ऑक्सीजन फैमिली, या इसको चैल्कोजेंस भी कहते हैं, या तो इसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं या इसको चैल्कोजेंस कहते हैं। तो ये आ गया NS2 NP4। उसके बाद ये ग्रुप 17, इनको हैलोजेंस कहते हैं, हैलोजेंस, ये NS2 NP5। और इसके बाद ग्रुप 18, जो इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज कहलाती है, नोबल गैसेज, और इनका है NS2 NP6। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन P1 to P6 आ रहा है, और ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल पी में आते हैं, और पी में इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाते हैं, ये 1 to 6 तक, क्यों अधिकतम उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरा जो क्लासिफिकेशन किया है वो किया है डी ब्लॉक एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, तो इनमें इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे आउटर मोस्ट शेल डी में आएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्व। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो है N-1 D1 to 10 NS2, N-1 D1 to 10 NS2। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक अंदर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है डी में, किसमें आएगा डी ऑर्बिटल में, लेकिन यहां पर ये एक अंदर वाले में आता है, जो प्रिंसिपल शेल से एक कम में आता है। इनको भी जैसे बांटा गया है 3D सीरीज, इनको इस प्रकार से पढ़ते हैं 4D सीरीज, इसी तरह से 5D सीरीज और 6D सीरीज, इनको इसी प्रकार से बांटा गया। इसका मतलब यहाँ गया ये 3D 1 to 10 4S2, यहाँ आप समझ गए होंगे 4D 1 to 10 5S2, ये आ जाएगा 5D 1 to 10 6S2, और ये आ जाएगा 6D 1 to 10 7S2। क्योंकि 3D 4D 5D 6D सीरीज में बांटा गया है, आप जानते हैं या पढ़कर आए हैं, आपकी क्लास में भी है ये पहले भी, कि ये जो 3D सीरीज है ये कहाँ से शुरू होती है, स्कैंडियम से, कहाँ खत्म होती है जिंक पर, स्कैंडियम से जिंक तक चलती है। स्कैंडियम का नंबर यहाँ 21 है और जिंक का नंबर 30 है, इसमें D1 और ये D10। इसी तरह से ये शुरू होती है एट्रियम से, इसका नंबर 39 है, और कहाँ तक चलती है ये कैडमियम तक। और इसी तरह से मान लो ये की बात करेंगे लैंथेनम से शुरू होती है, 57 नंबर है, और ये कहाँ तक जाती है मरकरी तक। तो ये 3D 4D 5D 6D सीरीज कहलाती है, और ऐसे जो एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आ रहे हैं उनका हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन जो आएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, इसमें डी में आता है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में आता है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में आता है। चौथे प्रकार का क्लासिफिकेशन और देखें, इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आप समझ गए होंगे, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें आए एफ में आए, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो किसमें आए एफ ऑर्बिटल में आए, ऐसे एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। इनका अगर हम ये N-2 यानी कि दो अंदर वाले शेल में आता है N-2 F1 to 14 N-1 D0 और 1, और उसके बाद में NS2, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इस प्रकार से लिखा जाता है। इनको दो सीरीज में बांटा है, एक कहलाती है लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज सीरीज, ये लेंथेनम 57 के बाद, 57 लेंथेनम, इसके बाद शुरू होती है। शुरुआत कहां से होती है, सीरियम से, ठीक है,
और ये कहाँ पर खत्म होती है, ये सीरियम से शुरू होकर आप समझे सीरियम का नंबर कितना 58 और ये ल्यूटेशियम पर खत्म होती है, इसका नंबर है 71। सीरियम से शुरू होकर ल्यूटेशियम पर खत्म होगी और ये लेंथेनाइड सीरीज कराती है क्योंकि ये लेंथेना 57 के बाद शुरू हो रही है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 4F ऑर्बिटल में आते हैं। जो सेकंड बात करें वो है एक्टिनाइड सीरीज। जैसे यहां लेंथेना जो शुरू हो रही थी ये एक्टिनियम के बाद शुरू होगी, एक्टिनियम नंबर 89 है। शुरुआत कहां से होती है, थोरियम से, थोरियम का नंबर 90 है और कहां से चलती है लॉरेंसियम तक, इसका नंबर 136 है। तो लॉरेंस थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें आते हैं 4F ऑर्बिटल में, इसमें कितने आते हैं 5F ऑर्बिटल में। तो 4F वाले लेंथेनाइड सीरीज और 5F वाली है एक्टिनाइड सीरीज। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन S, P, D और F का चार भागों में उनको बांटा गया, जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके ये किस आधार पर बांटा गया है कि उनके अंतिम उपकोष में जो लास्ट इनका सब शेल है उपकोष है उसमें किसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यदि एस में आ रहे हैं तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी में आ रहे हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट, डी में आ रहे हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ में आ रहे हैं तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसको हमने उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन से इनके ग्रुप में बांटा गया है, कौन सी लेंथेनाइड सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज है, इसको हमने गहराई से समझ लिया है। तो आप आज इसकी जो लास्ट क्लास थी पीरियोडिक टेबल की, इसमें आपने क्या जाना, इसमें हमने ये जाना आज की क्लास में कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, एस के आधार पर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, अंतिम उपकोष में जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। इस आधार पर ये पूरा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद में फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।